नमस्कार दोस्तों, आज का मुख्य समाचार ये है कि कल से मूसलाधार बारिश हो रही है और यहाँ पे बाढ़ आ गई है और हम लोग अभी निकल रहे हैं घूमने। हमारे साथ में अजय यादव हैं, देख सकते हैं आप, छतरी लेके, और हम भी छतरी लिए हैं और दिखाएंगे आपको कितना ज़्यादा पानी भर गया यहाँ पे। तो बने रहिए हमारे साथ में वीडियो में तक। और चल रहे हैं, घर से बाहर निकले अभी, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा पानी भर गया है रोड पे। कहीं कहीं पे गड्ढे हैं तो ज़्यादा पानी भर गए हैं, और वहाँ पे देखिए कितना हरा भरा दिखाई दे रहा है पूरा। वहाँ खेतों में देख सकते हैं आप कितना पानी भरा हुआ है, और हवा बहुत तेज चल रही है, लगता है छतरी पलट जाएगी, तो बहुत तेज हवा चल रही है, छाता पलटने वाला है। तो छाता लेके निकले हैं, अभी भी बारिश हो रही है। भाई तुझे बोलना है कुछ बोल, देखने बोल, गुटका खा रहा कभी। हाँ अरे बारिश बहुत जोर से हो रही है, पूरा बाढ़ आ चुका है, समझो बाढ़ का मौसम आज चालू हो गया। अभी हरे भरे सब खेतों में पानी लग गया है, धान सबका फूट रहा है। तो ये अजय थे जो बता रहे थे कुछ मौसम के बारे में आज। तो चल रहे चौराहे पे घूमते हुए, फिर आपको दिखाते हैं वहां का नजारा। आई जा रहे तो कौन चीज में क्या ना चीज रिकॉर्ड आ जाए तभी यार। दोस्तों अपने गांव के जो पुल है वहां पे आ गए हैं, और आपको दिखा दें कितना पानी भर गया यहां पे, और ये तो पलट जाएगा, ये देखिए पूरा पानी एकदम भर गया है। दो दिन से बारिश हो रही बहुत तेजों से, और यहां पे देख रहे हैं कितना ज्यादा पानी भर गया है। बताइए थोड़ा पानी के बारे में। मौसम बहुत हार्ड हो चुका है, बारिश बहुत तगड़ा हो रही है, पूरा भर चुका है नहर भी, बाढ़ आने का संभावना हो चुका है, लग रहा है बाढ़ अभी आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए हम लोग खड़े हैं पुल के ऊपर चौराहे पे आके, बाढ़ तेजी से आ गया, पूरा पानी से भरा हुआ। आप देख रहे हैं दूर तक नहर में कितना ज्यादा पानी भर गया है, और इस पार भी देख सकते हैं पहले से कुछ ज्यादा ही पानी हो गया है। और दो दिन तक और बारिश होगी तो जो जिस सड़क से हम लोग आए वो सड़क पार होके पानी पूरा बहने लगेगा। तो अभी तो मौसम बन गया एकदम बारिश का, लगता नहीं कि खुल जाएगा अभी। और बारिश की वजह से आज चौराहे पे बहुत सी दुकानें सब बंद हैं, कुछ दुकानें ही खुली हैं और चाय की दुकानें खुली हैं, और मैक्सिमम दुकानें सब बंद हैं। तो घूमते हुए यहाँ तक आ गए हैं हम लोग, और अभी चलेंगे यहाँ से चाय पीने, फिर वहाँ पे दिखाते हैं आपको। Past my reflection, thinking about what you mentioned. It was supposed to be the one to take every last pain away. चल रहे हैं चाय पीने चाय की दुकान पे, और बहुत ठंडा मौसम है, थोड़ा चाय पीकर गर्म हो जाएंगे हम लोग। और बारिश लगता है फिर से आने वाली है तेज, अभी थोड़ा कम हुआ है, सुबह में बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही थी, तो छतरी लेके इसलिए निकले हैं छाता लेके, क्योंकि अचानक में बहुत तेज आने लगती है, फिर थोड़ा टाइम तक बंद रहती है बारिश। चौराहे पे चल रहे हैं, घूम रहे हैं ऐसे, और यहाँ पे हमने देखा कि बारिश की वजह से बहुत सी दुकानें बंद हैं, कुछ ही दुकानें खुली हैं और चाय की दुकानें ज़्यादा खुली हैं, क्योंकि लोगों को चाय पिलाने के लिए चाय की दुकानें खुल गई हैं, और ऊपर से छाता से रोक लिए बारिश को, देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं चौराहे का नज़ारा। रोड पे कोई दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो कुछ लोग हैं जो घूमने के लिए निकले हैं इसलिए वो सब दिखाई दे रहे हैं, बारिश का मज़ा लेते हुए हम लोग भी घूमने निकले थे।
चाय की दुकान पे आ गए हैं चाय पीने, और चाय पी के यहाँ से फिर निकलेंगे आगे चलेंगे, फिर आपको दिखाते हैं आगे का सीन कैसा है। और ये देख लीजिए यहाँ पे ये भी चाय पीने आए साथ में। तो चाय पी के फिर आपसे बातें करते हैं। दोस्तों चाय पी लिए हैं और चल रहे हैं अभी, और कहाँ चल रहे हैं आपको अजय भाई बताएंगे। ये कहीं पे लेके जा रहे हैं हम, इधर आओ भाई इस साइड में। हाँ भाई अभी चल रहे हैं घूमने के लिए बाहर, देखते हैं क्या माहौल आगे का है। बारिश का संभावना तेजी से है, अभी निकल रहे हैं नौआ गाँव यार, उधर देखते हैं क्या हाल है बारिश का और रोड का भरा हुआ है कि नहीं पानी। तो नौआ गाँव की तरफ चल रहे हैं हम, तो आगे 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से नौआ गाँव, और बीच में ताल पड़ेगा तो वहाँ पे थोड़ा रुकेंगे फिर आपको दिखाते हैं। तो गाड़ियाँ आते जाते हैं लेकिन बहुत कम गाड़ियाँ आ रही यहाँ पे, देख सकते हैं रोड पूरा सुनसान एकदम, कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही। और बादल गरज रहे हैं तेजी से, और एकदम मौसम बन गया ऐसा लगता है कि 2-3 दिन तक बारिशें होते ही रहेंगे। देख सकते हैं छतरी छाता है ये, देख सकते हैं सब दुकानें बंद है कैसे, यहाँ पे सब खुली रहती थी पहले, आज बारिश की वजह से सब बंद है। We always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. दोस्तों यहाँ पे देखिए इतना तेज हवा चल रहा है कि धान सब लौट गया है, पानी के साथ में हवा भी चल रही बहुत तेजों से, तो सब धान लौट गए हैं, लौट गए मतलब गिर गए हैं, और पानी भी भर गए खेतों में इसलिए धान भी गिर गए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना पानी इधर भर गया है, और हमारी छतरी भी उड़ रही है। वाह, इधर साइड भी देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है, तो पानी ज़्यादा भर गया है, और अभी बारिश बंद नहीं हो रही, गाड़ी आ रही है देख सकते हैं लाइट जलाते हुए। ये देख पानी देखिए कितना ज्यादा भरा है, सुबह में और पानी भर जाएगा अगर ऐसे बारिश होते रहेगी। तो 1.5 किलोमीटर आगे आ गए हैं चलते चलते हम लोग, और यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये देखिए पानी बराबर हो गया रोड के, और थोड़ा सा और ज़्यादा बारिश होगी तो ये रोड के ऊपर से बहने लगेगा पानी। तो हवा इतना तेज चल रही कि कभी कभी छतरी लगता है पलट जाएगी। तो चल रहे हैं और आगे घूमते हुए आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा, और बारिश इतना हो रही कि पूरा मौसम ठंडा हो गया है, हल्का हल्का ठंडा भी लग रहा हम लोगों को, चाय पिए थोड़ा टाइम तक तो अच्छा लग रहा था। अभी चल रहे हैं और आगे चौराहे पे, ये देखिए कितना पानी भरा हुआ है। दोस्तों 1.5 किलोमीटर आगे आ गए हैं चलते चलते हम लोग, और यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये देखिए पानी बराबर हो गए रोड के, और थोड़ा सा और ज़्यादा बारिश होगी तो ये रोड के ऊपर से बहने लगेगा पानी। तो हवा इतना तेज चल रही कि कभी कभी छतरी लगता है पलट जाएगी।
तो चल रहे हैं और आगे घूमते हुए आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। और बारिश इतना हो रही कि पूरा मौसम ठंडा हो गया है, हल्का हल्का ठंडा भी लग रहा है हम लोगों को। चाय पिए थोड़ा टाइम तक तो अच्छा लग रहा था, अभी चल रहे हैं और आगे चौराहे पे। ये देखिए कितना पानी भरा हुआ है, ये धान देखिए कितना गिर गया है हवा की झोंकों से, पूरा दूर तक गिर गया है। ये देखो पूरा लौट गया है। और ये धान भी देखो हो गया है, इसकी बाल एकदम पक गई है, ये कच्चा नहीं है, थोड़ा पक गया है। और ये काटने लायक हो गया, धूप हो जाएगी दो चार दिन तो पूरा कटने लायक हो जाएगा। और इसमें पानी भर गया तो देखो सड़ रहा है बीच में। देखिए ये भी कितना ज्यादा लोड गया, पूरा लोड गया है और उसमें पानी भी भर गए हैं पूरा। और यहाँ पे देखिए काली माता का स्थान है, यहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है। तो हम लोग दूसरे गांव में पहुँच गए हैं, अभी आगे चल रहे हैं घर पे, एक वहाँ रुकेंगे उसके बाद फिर वापस जाएंगे। कहते हैं यहीं पे चल रहे हैं अभी घर पे, कभी से घूम रहे हैं हम लोग। तो अभी एक दुकान पे जाएंगे, वहाँ पे चाय लेंगे, फिर वहाँ से चलेंगे पार्सल चाय लेंगे। तो देख सकते हैं अजय आगे चल रहे हैं और हम पीछे। दुकान के पास पहुंच गए हैं और पार्सल चाय ले लेते हैं फिर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितना पानी भर गया है, ये देखिए पूरा पानी भर गया है। दोस्तों चाय पार्सल ले लिए हैं और ये देखिए अजय भाई दिखा रहे हैं आपको, बताएंगे अभी कुछ। बोल बोलो। ये चाय लिए हैं और नमकीन, और ये बहुत स्पेशल चाय है, एक बार पियोगे तो बार बार मन करेगा पीने का। और साथ में नमकीन भी है बहुत स्पेशल वाली, तुम बताओ कुछ अपने मुंह से। ये मनोरंजन के लिए रास्ते का, जहाँ ठंडी लगेगी वहाँ चाय पीते रहेंगे, बारिश जोर से हो रही है और टाइम पास के लिए नमकीन भी है। ठंडा गए हो क्या? चला गया, ठंडी ठंडक पड़ी रही है भाई, अभी समझ जाओ बारिश 3 दिन से चालू है, भीग गए हुए हैं, काफ़ी लंबा घूम रहे आप लोग इसके लिए। छतरी लगता है पलट जाएगी, इतना तेज हवा चल रही है, छतरी देख रहे हो, हवा चलती है एक बार की पलट जाती है, इनका छतरी देखो टूट फूट गया हवा से। तो दोस्तों अभी घर पर चल रहे हैं और आपको वीडियो कैसा लगा? और हम लोग 2 घंटे से घूम रहे हैं, अपने घर से कम 2 किलोमीटर आगे आ गए। तो इस वीडियो को यहीं पेंट कर रहे हैं और बहुत तेज हवा चल रही है और छाता पलट रहा है, देख सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।